हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर एकदम व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री एजुकेटर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज 2024 के लिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अंतिम वीक में यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराने वाला है। तो आज टेस्ट नंबर होगा 29, वो सॉरी 29, वो सॉरी 19, और ज्योग्राफी का आज टेस्ट होने वाला है यानी भूगोल का टेस्ट होगा। अभी तक हमारे 18 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो कि इतिहास से संबंधित थे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन एक, आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा आदि पूर्ण चंद्रमा वाली रात, ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात है इसे पूर्णिमा कहा जाता है या फिर पूर्णिमा होती है। तो क्या कथन सही है? ऑप्शन दो, सूर्य चंद्र और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो क्या ये ऑप्शन दो भी सही है? ऑप्शन तीन, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, मतलब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए में रखा है केवल एक और दो, ऑप्शन बी में रखा है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी में रखा है केवल एक और तीन, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी यानी एक दो तीन। तो हमारा जो राइट आंसर होने वाला है, देखिए भाई, जो हम पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं, इस रात को क्या कहा जाता है? पूर्ण चंद्र वाली को, इसको कहा जाता है पूर्णिमा, है ना। 15 दिन के पश्चात हम इसे नहीं देख सकते क्योंकि ये नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है। मतलब कि क्या होता है, महीने में एक बार यानी 15 दिन के लिए तो पूरा चंद्रमा देख सकते हैं, यानी उसे जब पूरा चंद्रमा दिखेगा उसे कहेंगे हम पूर्णिमा, और जब नए चंद्रमा की रात होती है उसे कहते हैं अमावस्या। तो ये करेक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन दो भी करेक्ट है, सूर्य चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है, ये कथन भी हमारा सत्य है। ऑप्शन तीन, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, सत्य है, ये गैसों के बने होते हैं, ये भी सत्य है, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, वे बहुत बड़ी जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, इन खगोलीय पिंड को तारा कहा जाता है, ये कथन भी हमारा सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन, मतलब ऑप्शन डी पहले क्वेश्चन का सत्य आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक का क्या आंसर हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर दो, गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प क्या है? ऑप्शन एक, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। उत्तरी तारा दिशा बताता है, उत्तरी तारा दिशा उत्तर दिशा को बताता है, सॉरी, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ऑप्शन दो, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब कि रात के समय में आसमान की ओर देखते समय जो तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियां होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, वे नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ऐसा कथन में कहा गया है। ऑप्शन तीन, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। ऑप्शन एक में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में केवल तीन और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीन समय में जब लोग रात्रि में भ्रमण करते थे तो तारों की सहायता से दिशा का निर्धारण किया जाता था, क्योंकि जो उत्तरी तारा है ना ये उत्तर दिशा को बताता है, ये कथन हमारा सत्य है। और रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, ये भी कथन सत्य है। कुछ खगोलीय पिंड
अपना प्रकाश उसमें नहीं रखते, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये कथन भी हमारा सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, गलत ऑप्शन पूछा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गलत ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर दो का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीन पर आते हैं, सही विकल्प का चुनाव करें। ऑप्शन ए, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन का समय लेता है। बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 88 दिन का समय लेता है। ऑप्शन दो, आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन तीन, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सत्य है, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में कंप्लीट करता है, यह कथन हमारा सत्य है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह पांचवें नंबर का, यह भी सत्य है। जबकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यह कथन भी सत्य है। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की औसत दूरी कितनी है, एवरेज डिस्टेंस, तो यह 384,400 किलोमीटर है। क्लियर। जबकि नेपच्यून ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में 164 साल का समय लेता है। नेपच्यून ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमण करने में, एक परिक्रमण करने में कम से कम 164 साल का समय लेता है। तो बुध ग्रह कितने दिन का लेता है, बुध ग्रह लेता है 88 दिन का। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सत्य है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर पर चार पर आएंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन एक, नील आर्मस्ट्रांग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये एकदम करेक्ट है, फैक्चुअल पॉइंट है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। सही है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, यह कथन भी हमारा सत्य है। और गलत विकल्प का चुनाव करना है हमें। अगस्त 2009 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि प्लूटो को बोना ग्रह कहा जा सकता है। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 2009 नहीं होगा, ये 2006 में बैठक हुई थी और इस दौरान प्लूटो को बोना ग्रह की संज्ञा दी गई थी। तो इसलिए ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा। जबकि ऑप्शन डी, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, यह भी कथन हमारा सत्य है। तो गलत विकल्प का चयन करना है था, तो गलत विकल्प हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पांच, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन एक, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। ऑप्शन दो, द्रव्यमान और आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति तथा सबसे छोटा ग्रह बुध है। गलत विकल्प का चुनाव करना है हमें। सबसे बड़ा ग्रह क्या बताया ऑप्शन में, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध बताया। ऑप्शन तीन, घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी और सबसे छोटा ग्रह शनि है, घनत्व की दृष्टि से। ऑप्शन चार, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो ऑप्शन चार जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, यह कथन हमारा सत्य है। जबकि घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी ही है, घनत्व की दृष्टि से, और सबसे छोटा ग्रह शनि ही है, तो यह कथन भी हमारा सत्य है। जबकि ऑप्शन दो, द्रव्यमान और आकार दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, यह कथन भी हमारा सत्य है।
पहला ऑप्शन इसमें क्षुद्र ग्रह और मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं, ये कथन भी हमारा सत्य है। तो क्या बता रखा है भैया, ऑप्शन देखते हैं हम, हमारे चारों विकल्प सत्य हैं, तो गलत विकल्प का चुनाव करना है तो गलत विकल्प इसमें से डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत विकल्प नहीं है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर वो आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, सही विकल्प का चुनाव करना है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन 2, पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है, ये कथन भी सत्य है। सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है और सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह, सबसे गर्म सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र होगा ना कि मंगल, तो ये गलत है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, ये शनि नहीं है, बृहस्पति होगा। ठीक है, तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा, बुध, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा, शुक्र, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, सर्वाधिक गर्म ग्रह होगा शुक्र, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति, बृहस्पति। ठीक है, सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह, सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कौन सा है, अभी बताया हमने वरुण, लास्ट क्वेश्चन भी था इसमें, सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी। हरा दिखने वाला ग्रह कौन सा है, जो हरा दिखता है वो है अरुण। सर्वाधिक चमकीला ग्रह या भोर का तारा या शाम का तारा या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन कहलाता है, शुक्र। ठीक है, ये कुछ प्लेनेट से संबंधित फैक्चुअल पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन 1 और 2 है, तो सही विकल्प का चुनाव करना है, देखते हैं कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, 1 और 2 यानी दोनों कथन सत्य है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, अंटार्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। अंटार्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। ऑप्शन बी, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्यान्ह यानी मध्यान्ह का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिकतम या सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये हमारा अर्थ हो गया। ये इक्वेटोरियल होगी यानी कि भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा हो गई और ये 23.5 डिग्री पे मकर रेखा हो गई, तो इसके बीच के क्षेत्र को बता रहे हैं ये, के मध्य जितने भी अक्षांश पड़ते हैं उन पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्यान्ह यानी दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, मतलब कि इतने क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा बताया गया। तो ये कथन क्या है, सत्य है गलत है, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, तो देखते हैं कौन सा कथन हमारा सत्य है। तो ये पहला गलत विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है अंटार्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, ये गलत है, जबकि आर्कटिक व्रत है ना कि अंटार्कटिक व्रत, आर्कटिक, आर्कटिक व्रत भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में स्थित है, जबकि अंटार्कटिक व्रत जो है भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है, अंटार्कटिक व्रत, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सत्य आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये
आर्कटिक वृत्त होगा उत्तर में, जबकि अंटार्कटिक वृत्त दक्षिण में हो जाएगा भूमध्य रेखा के। ठीक है, क्लियर है, और ये हमने देख ही लिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, प्रमुख यामयोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहां से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। यह कथन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन बी, असम में स्थित धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यह भी कथन एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी, पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यह कथन भी एकदम करेक्ट है, यानी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूम जाएगी, तो वो 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में, जबकि 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री, यानी 15 चौका 60। क्लियर। अब ऑप्शन डी में गुजरात के द्वारका तथा सिक्किम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा गलत होगा, इस पर हम विश्लेषण करना है। तो ऑप्शन डी ही इसका गलत आंसर होगा, क्योंकि डिब्रूगढ़ कहां पर है, डिब्रूगढ़ असम में है। देखो, गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस है, यह बात सही है, परंतु ये असम दे दिया ना, यानी एक्सचेंज कर दिया, तो इसलिए यह गलत आंसर हो गया और हमें गलत विकल्प का चयन करना था। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन एक, भारत का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह कथन एकदम सत्य है। ग्रीनविच कहां पे, यूके लंदन। ऑप्शन दो, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामयोत्तर माना गया है। यह कथन भी सत्य है। ऑप्शन तीन, कुछ देशों को देशांतरीय विस्तार अधिक है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक है, जिसके ही कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। यह कथन भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन चार, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 12 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यह कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 12 नहीं 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र में कितना, 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे, मतलब कि पृथ्वी पर कुछ ऐसे देश हैं जहां पर देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, जिस कारण वहां पर एक से अधिक मानक समय, जैसे रसिया, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, है ना। तो इसलिए वहां पे क्या कहते हैं कि वहां पे एक से अधिक मानक समय है, तो पृथ्वी को एक एक घंटे वाले समय क्षेत्र 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, क्योंकि प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ऑप्शन एक सही है, ऑप्शन दो सही है, ऑप्शन तीन आर करेक्ट है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 1, 2, 3 जिसमें, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए दे रखा है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। भाई अगर अपने अक्ष पर घूम रहा है तो परिक्रमण थोड़ा ना, परिक्रमण मतलब कि दूसरे पे, दूसरे की परिक्रमा करना, उसे परिक्रमण कहते हैं, ना कि अपने अपने अक्ष पे घूमना। अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाते हैं, घूर्णन। तो गलत विकल्प का चुनाव करना था। तो पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना
घूर्णन कहलाता है ना कि परिक्रमण, तथा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को घूर्णन कहते हैं, इसको परिक्रमण कहते हैं। ये एक्सचेंज कर दिया तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए ही गलत हो जाएगा और आंसर हमें यहां से ही मिल गया, पर फिर भी हम बढ़ेंगे आगे। तो ऑप्शन ए हो गया इसका। ऑप्शन बी, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। यह कथन एकदम करेक्ट है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाएंगे ना अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। हाउ, देख लो, ये इक्वेटोरियल होगा, ये बढ़ते 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 ये ध्रुव पे कैसा हो गया अक्षांश, छोटा हो गया, हो गया नहीं हो गया, यहां पे आके अक्षांश खत्म ही हो जाएगा। क्लियर, अक्षांश हो गई, ये देशांतर हो गई है, ठीक है। ऑप्शन सी, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यह कथन भी हमारा सत्य है, जिसमें सड़क मानचित्र दिखाया गया है, वर्षा मानचित्र में वर्षा दिखाई गई है, वन एवं उद्योग इत्यादि दिखाए गए हैं, तो उस मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। कथन सत्य है। ऑप्शन डी, चार मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को बिंदु प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है, प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। ये कथन भी हमारा सत्य है, यानी कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाता है चार मुख्य दिशाओं को। तो हमारा जो राइट आंसर हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन एक में दे रखा है, जब एक कच्चे आरे को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तब इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। जब एक कच्चे आरे को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तब इसे रेखाचित्र या मानचित्र कहते हैं, रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। तो कथन सत्य है। ऑप्शन दो, चार मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से पता लगा सकते हैं। ऑप्शन तीन, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। ऑप्शन चार, दिक्सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर पूर्व दिशा में होती है। तो इसमें हमें पता लगाने कौन सा सही विकल्प है। तो जब हम एक कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचते हैं तो इसे रेखा मानचित्र कहा जाता है, ये सत्य है। जबकि ये भी सत्य है कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। तो यानी कि ऑप्शन एक और तीन अभी तक सत्य निकले। ऑप्शन दो भी हमारा सत्य है, चार मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से यानी अधिक जटिलता या सटीकता से अच्छे से पता लगा सकते हैं। यह भी कथन सत्य है क्योंकि चार मध्यवर्ती जो दिशाएं हैं कौन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम है। इन मध्यवर्ती दिशाओं की सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन सी चार दिशाएं हैं हमारी मध्यवर्ती, तो नॉर्थ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार मध्यवर्ती दिशाएं हैं हमारी जिनकी सहायता से हम किसी भी स्थान का अधिक सटीकता से पता लगा सकते हैं। ये कथन भी सत्य है। और एक छोटे पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है, ये कथन भी सत्य है। जबकि दिक्सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, ये सत्य है। ये जो लाइन है, दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा सदैव उत्तर पूर्व नहीं उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, नॉर्थ साउथ दिशा में रहती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल सुने ही होंगे, क्लियर। तो दिक्सूचक की सहायता से हम किसी भी स्थान की दिशा का पता अवश्य लगा सकते हैं। दिक्सूचक एक इंस्ट्रूमेंट है यानी उपकरण है जिसका उपयोग हम मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। जबकि दिक्सूचक की सुई चुंबकीय सुई सदैव की दिशा सदैव नॉर्थ
साउथ यानी उत्तर दक्षिण होती है। तो इसलिए हमारे पहला ऑप्शन सत्य है, दूसरा ऑप्शन सत्य है, तीसरा ऑप्शन सत्य है और चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सत्य है इसमें। तो विकल्प हमारा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो आर सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत एक बहुत ही विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है, इसके संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ये तो बात सही है कि भाई भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। पहला ऑप्शन, भारत उत्तर हिमालय के ऊंचर शिखरों से घिरा हुआ है, ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। ऑप्शन दो, भारत पश्चिम में अरब सागर से घिरा है, यानी ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो इधर अरब सागर बताया, इधर हिमालय बताया, हिमालय के शिखर है ना, इधर अरब सागर बताया। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है, ये बंगाल की खाड़ी बताया। भारत दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा, ये भी ये कथन सत्य है, ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है, ये कथन भी सत्य है। तो देखना ये है कि कौन सा विकल्प होगा। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 13, गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पश्चिम पूर्व पश्चिम की सीमा लगभग 3200 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ, कच्छ कहाँ पे, गुजरात में है। अरुणाचल प्रदेश है ये अपना पूर्वी स्टेट और गुजरात अपना वेस्टर्न स्टेट यानी कि पश्चिमी स्टेट। ऑप्शन सी, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, ये कथन भी सत्य है। तो गलत विकल्प का चयन करना है हमें। तो ऑप्शन एक सही है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, और डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। क्लियर। जबकि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूर्व पश्चिम की सीमा लगभग 3200 किलोमीटर ना होकर 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। तो 3200 किलोमीटर किसकी है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसे देख लीजिए आप, इधर गुजरात, इधर जम्मू कश्मीर, इधर कन्याकुमारी और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो हो गई 2900 किलोमीटर और ये हो गई 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत हो गया, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक 2900 किलोमीटर ना कि 3200 किलोमीटर। तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी 3200 किलोमीटर है। तो गलत विकल्प का चुनाव करना था, ऑप्शन बी इसका गलत हो गया, तो इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में जो सूर्य राइज होता है यानी सूर्योदय होता है यानी सूर्य निकलता है, तो लगभग 2 घंटे पहले निकल जाता है, ये कथन भी हमारा सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो गया। आई होप अभी तक ज्योग्राफी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन एक, कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। कर्क रेखा देख लो भाई,
ये पृथ्वी हो गई, ये इक्वेटर हो गई, ये क्या हो गया, कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई। और एशिया हमारा नॉर्थ में भी पड़ता है और साउथ में भी पड़ता है क्या? ठीक है, तो ये एशिया के काटती है, सत्य है ये लाइन। यहां तक एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है, किसे, एशिया को। ये कथन अभी तक सत्य है। ऑप्शन दो, यानी कि यहां पे यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। बात करेंगे मैप के माध्यम से भी आने वाले टाइम में। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा गया है। यह महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है, कौन सा? पहला ऑप्शन हमारा सत्य है कि जो ग्लोबल है, ग्लोब इधर से कर्क रेखा होकर निकलती है, ये तो इधर से ये एशिया आ जाएगा, ये अमेरिका आ जाएगा, ये अफ्रीका हो गया, है ना? तो यहाँ पे आपका पनामा स्थल खंड हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये अंटार्कटिका हो गया, ये आर्कटिक हो गया। तो कहने का मतलब दूसरे ऑप्शन में कहा उत्तर अमेरिका, यानी ये उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका से एक सक्र, ये जो सक्रा स्थल बताया मैंने अभी, स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं, इसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। ये है महाद्वीप तीन महासागरों से घिरा हुआ है, एक इधर पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक अटलांटिक पैसिफिक, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन दो भी हमारा सत्य है, तो गलत विकल्प का चयन करना है। तो गलत विकल्प हमारा इसमें से डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में फैला हुआ है, जबकि कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है और एशिया के पश्चिम में जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। वहीं उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका से मतलब कि जो ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये यहाँ पे लेटिन अमेरिका हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्थल खंड है जिसको हम पनामा स्थल संधि बोलते हैं, तो इसके माध्यम से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अलग होते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप जो है वो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह दक्षिण अमेरिका से यानी इससे एक सकरे स्थल से यानी कि एक बारीक स्थल से जुड़ा है, मतलब लैंडलॉक्ड बाउंड्री से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि कोई भी गलत विकल्प नहीं है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 35, वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848.86 मीटर ऊंचा है, सत्य है। ऑप्शन बी, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि दक्षिण अमेरिका में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है, ये कथन भी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन डी, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मैरियाना गर्त है या मैरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से होकर बहती है, ये गलत है, ये उत्तरी अमेरिका से नहीं, ये दक्षिणी अमेरिका से बहती है।
दक्षिणी अमेरिका से बहती है, ठीक है? तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और राइट ऑप्शन भी हमारा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सी इसका सही आंसर हो गया। एक बार डिस्कस कर लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8848.86 मीटर ऊंचा है। जबकि दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, इसके उत्तर से दक्षिण अमेरिका के अंदर उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। और जबकि विश्व की सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नहीं सबसे बड़ी नदी अमेजन कहां पे? दक्षिण अमेरिका के से होकर बहती है। विश्व का सबसे गहरा प्रशांत महासागर की मैरियाना ग्रत सबसे गहरी है, जिसकी 11,022 मीटर है। तो राइट आंसर क्या हुआ हमारा इसमें? सी हो गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा कराए गए ये प्रयास टेस्ट सीरीज आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और कुछ आपको सजेशन देना है तो सजेशन के तौर पे भी आप सजेशन दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। तो बने रहिए सीरी एजुकेटर यूट्यूब चैनल के साथ। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।